हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? जी हैं, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप पेटीएम के वैलेट से, देखिए मेरे पेटीएम में अभी 10 रुपये है, तो आप पेटीएम के वैलेट से, जी हाँ, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे कैसे भेज सकते हैं। अगर आप भी देखो सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो ना, तो आप ये वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी के लाइफ में, जी हाँ, कहीं ना कहीं काम ज़रूर से आ जाती हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ पूरा देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं पेटीएम वैलेट से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे कैसे भेजें। तो सबसे पहले देखो, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सिंपली आपको अपने पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेना है। ध्यान रखिए, आपका पेटीएम जो है अपडेट होना चाहिए, क्योंकि न्यू फीचर्स आ रहे हैं, तो नए नए तरीके भी आ सकते हैं। सबसे पहले देखो, जी हाँ, यहाँ पर जो है आपको अपने क्या करना है, पेटीएम वैलेट का जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा पेटीएम बैंक और ये है आपका पेटीएम वैलेट। पेटीएम वैलेट पर क्लिक करना है। मेरे पास है अभी 10 रुपये अवेलेबल। तो यहाँ पर देखो, जी हाँ, डायरेक्ट आप किसी को भी यहाँ पर पे कर सकते हो। तो यहाँ पर, जी हाँ, आप डायरेक्ट पे कर सकते हो स्कैन से। तो सबसे पहला तरीका है कि आप पे कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में बताया है मैंने कि बैंक अकाउंट में कैसे भेजना था। देखो यहाँ पर है ट्रांसफ़र टू बैंक और इसके लिए कोई भी फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक, जी हाँ, यहाँ पर से जो है पैसे ऐड कर सकते हो और सेंड गिफ्ट वाउचर वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि आप बैंक में पैसे कैसे भेज सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसफ़र टू बैंक है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद, जी हाँ, आप यहाँ से कितने रुपये भेजना चाहते हो, तो ध्यान रखिए आप 10 रुपये सेलेक्ट करोगे तो 10 रुपये कभी भी नहीं जाएगा। मिनिमम आपको 20 रुपये ज़रूर से सर्च करना है और देखो 25,000 तक आप से भेज सकते हो अपने पेटीएम वैलेट से। तो मैं 25 रुपये सर्च कर लेता हूं। जी हाँ, यहां पर मेरे पास 10 ही रुपये, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूं। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहां पर जो भी आपके बैंक है ना लिंक, वो बैंक आपका आ जाएगा। अगर आप चाहते हो, जी हाँ, कोई न्यू बैंक आप जो है लिंक करें, किसी न्यू बैंक में भेजना है, तो आपको देखो न्यू ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उस बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और होल्डर नेम आपको डाल देना है। तो यहां पर देख सकते हैं, जी हाँ, यहां पर मैंने कर दिया है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कितने रुपये भेज रहा हूँ, 25 रुपये। चार्ज देख रहे 0 रुपया है, तो यहां पर टोटल पे कितना होगा, 25 रुपया। तो सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर से क्लिक करने के बाद ये सारा आपका बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, पेटीएम वैलेट का, जी हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो यहां पर आपको क्या करना है, जी हाँ, ये देखिए नीचे बैंक ऑफ मेरा ये है, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से, जी हाँ, आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से या पेटीएम वैलेट से, देखिए यहां पर 15 रुपया, जी हाँ, है, मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी 10 ही रुपया है। तो यहां पर से, जी हाँ, आप जो है पेटीएम वैलेट से यहां जो है किसी को भी यहां पर से बैंक में पैसे भेज सकते हो और कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा, बिल्कुल फ्री तरीका है। तो इस तरीके से, जी हाँ, आप किसी के भी बैंक में पेटीएम वैलेट से पैसे भेज सकते हो और सीख सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो। तो लाइक कर ले, टेक केयर एंड बाय बाय।